हेलो। हाँ जी, ये मैं कुणाल एंटरप्राइजेस, किसी ने बाहर लगा रखा है। नंबर बता रहे हैं ना हाउस का? नंबर है, नंबर कितना है? 5 5 by 9, ये 3 by 9, 5 by 9, 111 5 by 9। ये हम सीसीटी से अंदर आए थे गली में। हाँ जी, तो ये आगे एक लाइट चल रही है बिल्डिंग में, बिल्कुल टी पॉइंट पे। अग्रवाल गोल्ड भैया, नी जैन अग्रवाल मंदिर, गोल्ड ये से अग्रवाल, हाँ ये अग्रवाल गोल्ड ज्वेलर्स। हाँ, अग्रवाल गोल्ड ज्वेलर्स। ठीक है, यही लगाते हैं, अग्रवाल पे करते हैं। ओके ठीक है, ठीक है, ओके जी। सॉरी शॉप्स अग्रवाल अग्रवाल गोल्ड आर्मी स्टोर। स्टोर। अभी देखो गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। क्या मेरा वॉइस आ रहा है या फिर नहीं आ रही है? गुड गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग। सभी लोग अपने इवनिंग मैम। कैमराज ऑन करें, प्लीज ओपन योर कैमराज। पंकज शर्मा, मिकेश जी, पवनजीत, सुखिया, प्रमोद जी, पल्लवी जी, प्लीज ओपन योर कैमरास। प्रेमलता जी, कल्पना जी, प्रिया जी, प्लीज ओपन योर कैमरास। अगर आप लोग अपने कैमरा ऑन नहीं करेंगे तो मैं आपके साथ कांटेक्ट नहीं कर पाऊंगी। प्लीज गुड ओपन इवनिंग योर कैमरास। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, मैम, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैम। मैं थोड़ी ऑक्यूपाइड हूँ, मैं अभी ऑन करती हूँ कुछ देर में। ओके ठीक है कल्पना जी, चलिए क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम लोग अपना प्रेयर कर लेते हैं एंड देन वी स्टार्ट द क्लास। ठीक है, सभी लोग अपनी आंखें बंद करें, लंबी गहरी सांसें लें, सांस लें, सांस छोड़ें, सांस लें, सांस छोड़ी, सांस ले, सांस छोड़ी। अंदर आती हुई सांसों में महसूस करें कि आपके आसपास की सारी पॉजिटिविटी आपके सांसों के माध्यम से आपके शरीर में आ रही है। और जैसे जैसे आप अपनी सांसों को छोड़ रहे हैं, महसूस करें कि सारी नेगेटिविटी जो आपके शरीर के अंदर है, वो सारी आपकी सांसों के माध्यम से आपके शरीर से बाहर निकलती जा रही है, एक ब्लैक कलर की एनर्जी के रूप में वो आपके सांसों के माध्यम से बाहर निकल रही है।
सांस लेते जाएं, सांस छोड़ते जाएं, गहरी लंबी सांसें लें और सांसें छोड़ते जाएं, सांस लें, सांस छोड़ें। विजुलाइज करें कि आसमान से एक सफेद रंग की ऊर्जा आपकी तरफ आ रही है। ऊर्जा आपके क्राउन चक्र, आपके सर के ऊपर से एक बॉल की तरह घूमती जा रही है। आपके सर के ऊपर एक बॉल की तरह घूमती जा रही। अब वो बॉल धीरे धीरे आपके पूरे शरीर को अपने अंदर समा रही है। विजुलाइज करें कि वो बॉल एनर्जी बॉल, जिसका रंग सफेद, गोल्डन, येलो, आपके ऊपर क्लॉकवाइज घूमता जा रहा है और धीरे धीरे आपका पूरा शरीर उस बॉल के अंदर समाता जा रहा है। फील करें कि उस बॉल के अंदर आपका पूरा शरीर समाता जा रहा है, आपका सर, आपकी आंखें, आपकी नाक, आपके होंठ, आपका गला, आपके शोल्डर्स, आपके हाथ, शोल्डर से नीचे आपका हार्ट, आपके पेट, स्टमक, लोअर स्टमक, आपकी थाइस, आपकी नीज, आपकी काफ मसल, आपके पैरों की सोल तक वो एनर्जी आ रही है और आप उस पूरी एनर्जी के अंदर ढक चुके हैं। उस गोल घेरे के अंदर आप अपने आप को महसूस करें। सांसें लेते जाएं, अपना पूरा ध्यान सांसों पे रखें और फील करें उस गोल घेरे के अंदर जो पॉजिटिव एनर्जीज हैं, जो कॉस्मिक एनर्जी है, वो आपके बॉडी के अंदर, आपके शरीर के अंदर समाती जा रही है और आपका शरीर पूरी तरह रिलैक्स हो गया है, हल्का हो गया है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अपने दोनों हाथों को अपने हार्ट चक्र, अपने हृदय के पास लाएं, एक नमस्ते मुद्रा में बैठें। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखें और प्रार्थना करें उस परमात्मा से कि आज आप जो भी सीखने जा रहे हैं, जो भी जानना जा रहे हैं इस वेबिनार के माध्यम से, उसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई भी कठिनाई ना हो, आप बहुत आसानी से चीजों को समझ पाए, सीख पाए। हर उस चीज को धन्यवाद करें जिसके कारण आज आप यहाँ पर बैठे हैं। बचपन से लेकर आज तक अपने जीवन के हर उस मोड़ को, जहां पर आप जीवन में आगे बढ़ते जा गए, उन सभी मोड़ को धन्यवाद दें। सबसे पहले अपने स्कूल, जहां आप पहली बार पढ़ने गए, अपनी टीचर्स को, अपने माता पिता को, भाई बहनों को,
दोस्तों को, और धीरे धीरे आप बड़ी बड़ी क्लासेस में आते गए, उन मोमेंट्स को याद करें जो आपके जीवन के सबसे खूबसूरत मोमेंट्स थे, जिनके कारण आप जीवन में आगे बढ़ पाए। उन सभी गैजेट्स को धन्यवाद करें जिनके जरिए आज आप यहाँ पर जुड़े हैं हमारे साथ। दोनों हाथों को खोलें, आसमान की तरफ लेके जाएं, आसमान से सफेद ऊर्जा को अपने हाथों में आता हुआ देखें, और देखें कि आपके हाथ पूरी तरह एनर्जाइज होते जा रहे हैं, पूरी तरह एनर्जाइज होते जा रहे हैं उस सफेद ऊर्जा से। अब अपने शरीर के हर उस पार्ट पर जहां पर आपको इस वक्त में दर्द महसूस हो रहा है, अपने हाथों को 2 मिनट के लिए उस जगह पे रखें। अगर बॉडी में कहीं कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा है तो अपने हार्ट चक्र पर अपने दोनों हाथों को 2 मिनट के लिए रखें और हील करें। अब अपने दोनों हाथों को रब करें, अपनी आंखों पे लगाएं और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलें। सभी लोग कैमराज ऑन करें। सुरेखा, सतीश, पल्लवी, पवनजीत, पंकज शर्मा, माही जी, अंकिता, सभी लोग अपने कैमराज ऑन करें। अगर आप लोग कैमरा ऑन नहीं करेंगे तो
आप लोग मेरे साथ कनेक्ट नहीं कर पाए, ना मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट कर पाऊंगी, ना आप लोग मेरे साथ कनेक्ट कर पाएंगे। मैं केवल उन्हीं लोगों के साथ कनेक्ट कर पाऊंगी जिनके कैमरास खुले हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना ये वेबिनार। ये वेबिनार आप सभी को मालूम है कि ये यूनिवर्सल सिंबल्स के ऊपर हमने ये वेबिनार बनाया है, जहां पर हम 100 सिंबल्स के ऊपर काम करेंगे। 100 पावरफुल सिंबल्स। आप में से ज्यादातर लोगों ने रेकी सीखा होगा और ज्यादातर लोगों ने कुछ और मोडालिटी सीखी हुई होंगी, तभी आप लोग यहाँ पर आए। क्योंकि ये जो वेबिनार है, ये जो क्लासेस हैं, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए हैं जो लोग मास्टर्स हैं या फिर जो लोग ग्रैंड मास्टर्स हैं। मास्टर्स अगर इस कोर्स को करते हैं तो मास्टर्स के लिए केवल वो हीलिंग्स कर सकते हैं, वो किसी को सिखा नहीं सकते, किसी का शक्तिपात नहीं कर सकते। अगर वो शक्तिपात करना चाहते हैं तो उनको ग्रैंड मास्टरशिप करनी पड़ेगी, जो हमारी जिसको हम बोलते हैं टीचरशिप। और अगर वो टीचरशिप में है, ऑलरेडी टीचर है, पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को, तो वो लोग इसको सीख सकते हैं बड़े ही आराम से, और बड़े ही आराम से वो लोगों को शक्तिपात दे सकते हैं। ठीक है, तो दोनों कैटेगरी में अगर आप मास्टर्स हैं या फिर आप ग्रैंड मास्टर्स हैं, आप दोनों उसमें इसको सीख सकते हैं। सिर्फ फर्क इतना है कि अगर आप मास्टर हैं तो आप सिर्फ उसको हीलिंग के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग रेकी से रिलेट करते होंगे, बहुत सारे लोग और दूसरी दूसरी मोडालिटीज को रिलेट करते हैं। मेरा नाम उपासना है, मैं इस प्लेटफॉर्म के अंदर रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ। रेकी और रेकी से रिलेटेड जितने भी कोर्स हैं वो मैं यहाँ पे करवाती हूँ, प्लस मैं एंजल थेरेपी यहाँ पर सिखाती हूँ। इसके अलावा और भी मोडालिटीज पे काम करती हूँ, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर मैं एज अ रेकी ग्रैंड मास्टर काम करती हूँ। इसीलिए मैं यहाँ पर रेकी सिखाती हूँ और रेकी के साथ मैं बहुत क्लोज हूँ, तो मैं रेकी से ज्यादा मेरी शब्दों में उसका वर्णन थोड़ा सा ज्यादा होगा। ठीक है, बाकी सब मोडालिटीज भी अपनी जगह पे इम्पोर्टेंट हैं, अपनी जगह पे हर मोडालिटी का अपना एक काम है, अपना एक पॉजिटिव काम है। सभी मोडालिटीज हमको उस परमात्मा के साथ जोड़ते हैं, हमको उस स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम सभी लोग आज जो जुड़े हैं, आज जो ये वेबिनार है, ये यूनिवर्सल सिंबल्स का है, जिसके अंदर हमारे 100 सिंबल्स होते हैं। 100 सिंबल्स के साथ आप लोगों को शक्तिपात दिया जाएगा, आप लोगों को अटूनमेंट दिया जाएगा। हर एक एक सिंबल की अपनी एक मर्यादा है, अपनी एक पावर है। जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ कि हर सिंबल को 4.5 लाख मंत्रास की पावर होती है हर एक एक सिंबल के अंदर। लेकिन जो यहाँ पर हम लोग सिंबल सीखेंगे, ये बहुत ज्यादा पावरफुल सिंबल्स हैं। इनको आप ऐसे ही इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी पेशेंट जब आपके पास आता है, तो पहले आपको उसको बैलेंस करना है, उसके बाद आपने इन सिंबल्स को यूज करना है। अगर आपको लगता है कि ये सिंबल की आवश्यकता है उसे इस्तेमाल करने के लिए, तभी आपको ये सिंबल्स का इस्तेमाल करना है। अदरवाइज आपको ये सिंबल्स को तब तक यूज नहीं करना है जब तक कि आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि इसकी आवश्यकता है। जैसा मैंने बोला, क्योंकि ये एक पावरफुल सिंबल्स है। जैसे कि हम रेकी में हमारे पास दो सिंबल्स होते हैं, एक होता है हमारा पावरफुल सिंबल, हम जिसको बोलते हैं चौकोरे, और एक होता है हमारा मास्टर सिंबल डाइकोनियम। अधिकतर हीलर्स क्या करते हैं कि वो सभी सिंबल्स को एक साथ डालकर हीलिंग कर देते हैं, जहां पर उसकी जरूरत है या फिर नहीं है। ठीक है, अगर आप नॉर्मल कर रहे हैं तो कोई ऐसे नुकसान नहीं होता है, लेकिन कभी कभी सिंबल्स में इतनी हाई पावर होती है कि वो आप लोगों को नुकसान भी दे सकती है। कभी कभी जो लोग करते हैं उनको भी, या जिनके ऊपर हम करते हैं उनको भी, तो इसलिए इस चीज
प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको इन चीजों की नॉलेज होती जाएगी। ऐसे भी यूज करेंगे तो उसका आपको नेगेटिव असर मिलेगा? नहीं, नेगेटिव असर एकदम से नहीं आता है, क्योंकि ये कोई आपका तंत्र विद्या नहीं है, ये एक आपकी पॉजिटिव, ये आपका पॉजिटिव हीलिंग है। इसके अंदर किसी भी तरह की कोई ब्लैक मैजिक वाला केस नहीं है कि आपको कोई डरने की जरूरत है, कोई घबराने की जरूरत है। लेकिन आपको खुद से मालूम चल जाएगा कि थोड़ा सा भी 19-20 का आपको डिफरेंस पता चलेगा कि यहाँ पर आपको इस चीज को इस्तेमाल करना है या नहीं। बट इसके लिए आपको सिंबल्स के साथ अपना कनेक्शन बनाना जरूरी है, इसके लिए आपकी प्रैक्टिस ज्यादा होनी जरूरी। तो जो लोग ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं वही इन चीजों को आगे अपने जीवन में उतार सकते हैं, अपनी हीलिंग कर सकते हैं, साथ में दूसरों की हीलिंग भी कर सकते हैं। इन सिंबल्स को अगर आप सीखते हैं तो इन सिंबल्स को आपको रोज करने की जरूरत नहीं है। जब हम आपको सिखाएंगे तो आप सिर्फ उसको कुछ दिन के लिए आप उसके मेडिटेशन हर एक एक सिंबल के साथ आप करेंगे, ताकि आपका उनके साथ कनेक्शन बन सके, या फिर आप उनको लिख कर अपने सबकॉन्शियस माइंड में लेकर आएंगे ताकि आपका उसके साथ कनेक्शन बन सके। रोज इनको नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत ही हैवी पावरफुल सिंबल्स हैं, तो इनको डेली करने की जरूरत नहीं है। जैसे हम और मोडालिटीज के अंदर रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, जैसे हम रेकी के अंदर 24 बॉडी पार्ट्स की प्रैक्टिस करते हैं, अपने 7 चक्रास की प्रैक्टिस करते हैं, 21 दिन, कम से कम 21 दिन से लेकर 3 महीने तक मैं बोलती हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस करें, क्योंकि हमारे टीचर्स ने हमको यही बोला था कि आप 3 महीने तक प्रैक्टिस करें। तो वही चीज मैं आप लोगों को भी सिखाती हूँ, बट नॉर्मली आप ज्यादातर सभी लोग बोलते हैं कि 21 दिन कम से कम करिए। तो आप 21 दिन से 3 महीने, वो आपके ऊपर है। 21 दिन तो कम से कम आपको करनी ही है, अगर आप ज्यादा समय तक कर सकते हैं तो 3 महीने तक आप उनको रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हैं, और उसके बाद आप उनको बीच बीच में अपना कोई डे सेट कर कर आप कर सकते हैं, या आपको जब लगता है कि आपको नीड है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इन सिंबल्स के साथ ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 21 दिन की प्रैक्टिस करनी है या 3 महीने की प्रैक्टिस करनी है। इन सिंबल्स के साथ आपको कुछ समय तक, जब तक कि आपका कनेक्शन नहीं बनता, तब तक आपने इन सिंबल्स को थोड़ा सा मेडिटेट करना है। 1-1 मिनट का भी अगर आप मेडिटेट करेंगे तो भी वो चले, ठीक है। या फिर आप उनको लिखें पेपर के ऊपर, रेड पेन से उनको ड्रॉ करके उनको लिखें। ये सिर्फ इसलिए करवाती हूं मैं ताकि आप लोगों का कनेक्शन बने, ताकि आप लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में वो आए, ताकि जब आप लोग बार बार उन सिंबल्स को लिखेंगे, बार बार उन सिंबल्स के साथ मेडिटेट करेंगे, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में तो वो सिंबल आएंगे ही, और उन सिंबल के आने के साथ साथ आप उनके वर्क को भी समझ पाएंगे कि ये सिंबल को हमने कहाँ पर, कैसे, किस तरीके से इस्तेमाल करना है। क्योंकि अधिकतर लोगों, जितने भी आप इतनी मोडालिटीज लोग सीखते हैं, अच्छी बात है, उससे हमारी पावर्स तो इनहेंस होती ही हैं, लेकिन जब इस्तेमाल करने की बारी आती है, जब यूज करना होता है, तो अधिकतर लोग 2-3-4 सिंबल से ऊपर नहीं जाते हैं। और उसकी वजह सिर्फ इतनी ही होती है क्योंकि वो हमें प्रैक्टिस नहीं होते हैं, हमें याद नहीं रहते हैं, और फिर जो हमें उस वक्त याद आता है हम वो कर लेते हैं। तो प्रैक्टिस करने का भी बहुत अच्छा तरीका ये है कि आप एक पेपर पे वो सारे सिंबल्स को ड्रॉ करें, उन सिंबल्स के नाम लिखें, और एक एक लाइन में उन सिंबल्स का वर्क लिखें, जितना भी आपने अब तक सीखा है। और जब भी आपके पास कोई हीलिंग आती है, आपको कोई हीलिंग करनी है, तो आप अपनी वो बुक खोलें और उसमें से ढूंढें कि कौन सा जरूरत आपको इस सिंबल की है, और उस हिसाब से आप उसको कर सकते हैं। बनाते वक्त आपको थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, लेकिन उसके बाद आपके लिए पूरे जीवन के लिए वो आसान काम हो जाएगा। तो इस तरीके से एक अपनी डायरी को मेंटेन करिएगा, और जो लोग मेरे साथ यहाँ पर सीखेंगे उन लोगों से तो मैं डायरी मेंटेन करवाऊंगी ही, बाकी जो लोग नहीं सीखेंगे उन लोगों के लिए है कि वो एक डायरी अपनी इस तरीके से अगर मेंटेन करके अपना कार्य को करते हैं तो उसमें उनको बहुत ज्यादा सफलता मिलती है, ठीक है। बाकी रेकी आप सभी लोग जानते हैं, डॉक्टर मिकाओ ओशी द्वारा रेकी आई है। वैसे तो ये विद्या हमारे भारत की है, लेकिन भारत में इसमें ज्यादा काम नहीं हुआ, उसके बाद ये विद्या जापान से डॉक्टर मिकाओ ओशी द्वारा वापस आई है। डॉक्टर मिकाओ ओशी जापान के थे, इसलिए इस विद्या का नाम रेकी पड़ा है। रेकी एक जापानीज वर्ड है। डॉक्टर मिकाओ ओशी ने भी पूरे जापान में इसके बारे में बहुत जानने की कोशिश करी, पूरे वर्ल्ड में वो घूमे,
इस एनर्जी को समझने के लिए, जानने के लिए। जब वो पूरे वर्ल्ड में घूमे, जब वो इंडिया में आए, तो उन्हें ये समझ में आ गया कि ये विद्या हमारे भारत की है। उसके बाद उन्होंने भारत में भी उसके लिए बहुत तप करा। 21 दिन भूखे प्यासे बैठकर उन्होंने इसके लिए तप करा, तब कहीं जाकर उनको ये विद्या मिली, डायरेक्ट ईश्वर से, डायरेक्ट उस परमात्मा से, उस यूनिवर्सल एनर्जी जिसको बोलते हैं, वो डायरेक्ट उन्होंने उनके साथ में कांटेक्ट किया और उनको ये विद्या वहां से मिली। उसके बाद उन्होंने और भी अपने स्टूडेंट्स को तैयार करा। फिर धीरे धीरे करके बहुत स्टूडेंट्स जब तैयार हो गए, तो हर एक स्टूडेंट ने अपने अपने तरीके से सिंबल्स को बनाया। मिस्टर पैट्रिक जैगलर थे, उन्होंने मिस्र के गिजा पिरामिड के रहस्य, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो यह वहां पर जाकर उनको ये सिंबल्स मिले। वहां से ये जितने भी आज हम जो अब सीखेंगे सिंबल, ये वहां से उन्होंने इनको जाकर उनको पाया। मेडिटेशन के माध्यम से ढूंढ कर वहां पर जाकर आपने इनको वो मिला। 1980 में उन्होंने इन सिंबल्स की आविष्कार करा, उनको ये सिंबल्स वहां से मिले। उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर काम करा, मेडिटेशंस किए, इस्तेमाल किया, और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके ये अब आप लोगों के सामने हम लोग इसको प्रेजेंट करें। ठीक है, इन सिंबल्स को आप डिस्टेंस हीलिंग के द्वारा, एब्सेंट हीलिंग, डिस्टेंस हीलिंग एक ही चीज है, तो आप उन चीजों के द्वारा भी ये सिंबल्स को किसी के साथ में इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम नॉर्मल अपना हीलिंग करते हैं, आप उस तरीके से ये सिंबल्स को यूज कर सकते हैं। नॉर्मल जैसे हम लोग अपना हीलिंग करते हैं, जैसे अगर आप लोग रेकी ग्रैंड मास्टर्स हैं, तो आप रेकी के साथ इसको यूज कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने कुछ और लामा पेड़ा सीखा है या कोई भी और मोडालिटीज को सीखा है, तो आप उन मोडालिटीज के साथ जोड़कर भी इन सिंबल्स को यूज कर सकते हैं। जिस तरीके से आप उन सिंबल्स को यूज कर सकते हैं, उसी तरीके से आप इन सिंबल्स को भी यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप रेकी के जरिए यूज कर रहे हैं, तो आपने इनको उसी तरीके से यूज करना है। आप इनको किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपका इनके साथ में कनेक्शन होना जरूरी है, क्योंकि तो जितना आपका इनके साथ कनेक्शन होगा, आप उतना ये सिंबल्स को कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सिंबल, इसके अंदर सिर्फ इतना ही है कि आप इन सिंबल्स के साथ कनेक्ट करें। इसमें प्रॉपर आपको 100 सिंबल्स मिलेंगे, हर एक बीमारी से रिलेटेड आपको सिंबल्स मिलेंगे। अब बीमारी क्या है? बीमारी बीमारी हमें कहाँ से आती है? बीमारी हमारा क्या है? बीमारी एक प्रकार का हमारा इमोशंस होते हैं, हमारे अंदर की भावनाएं होती हैं, हमारे अंदर के इमोशंस होते हैं। धीरे 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 कर कर जब वो एक भयानक रूप ले लेते हैं, तो वो एक बीमारी के रूप में हमारे सामने आ जाते हैं, है ना? तो उसको आपने हील करना है। अधिकतर लोगों के साथ में क्या प्रॉब्लम आता है, उनको लगता है कि वो जल्दी जल्दी उनका मतलब उनको रिजल्ट है। किसी को जल्दी रिजल्ट आते हैं, लेकिन किसी को लेट रिजल्ट आते हैं। आप सोचिए, अगर आप 10 साल से, 20 साल से, 50 साल से कोई चीज को अपने मन में दबा के बैठे हैं, और वो 20 साल बाद आपके सामने आ गई है, तो आप उसको 1 दिन में, 2 दिन में, या 1 महीने में, कभी कभी 1 महीने में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिलते हैं, लेकिन अगर कई लोग 1 दिन में, 2 दिन में चाहें कि उनको वो रिजल्ट मिल जाए, तो वो एकदम पॉसिबल नहीं होता है। उसके लिए उनको वर्कआउट करते रहना पड़ता है। कभी कभी रिजल्ट मिल भी जाते हैं, और फिर उसके बाद आप छोड़ देते हैं उन चीजों को, फिर वहीं से जहां से शुरू होते हैं वहीं पर आके फिर से खड़े हो जाते हैं। तो ये नहीं है कि आपने उसको छोड़ना है, आपको जब तक वो कार्मिक अंदर से सारे जो ब्लॉकेज है वो खत्म नहीं होंगे, तब तक वो चीजें हील नहीं होती। तो उसके लिए आपको पेशेंस रखना चाहिए और उस चीज के ऊपर काम करते हैं। तो यहाँ पर जो हम 100 सिंबल सीखेंगे, उसके अंदर आप अपने, जैसा कि हम बोलते ही हैं कि जब भी हम रेखी सिखाते हैं या कोई भी मोडालिटी को सीखते हैं, तो आप मन की शांति, सुकून, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब आप चीज आपका रिमूव होता है। और जब आपका स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब चीजें रिमूव होती हैं, ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी ठीक होने लगती है। क्यों?
क्योंकि जब आपके मन के अंदर से ये सब चीजें रिमूव होने लगती हैं तो आपका मन सकारात्मक रूप से तैयार हो जाता है, आपके अंदर पॉजिटिविटी आ जाती है। और जब आपके अंदर पॉजिटिविटी होती है तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो काम करने लगते हैं। आपकी बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो सकारात्मक रूप से काम को करने लगते हैं। अभी भी बहुत सारे लोगों ने अपने कैमरास ऑन नहीं करे हैं। प्लीज ओपन योर कैमरास, मैं बार बार आप सबको कह रही हूँ, प्लीज ओपन योर कैमरास। अगर आप अपने, यहाँ पर मैं जो जगह पे यहाँ बैठी हूँ, यहाँ पर मैं एज अ टीचर आपके सामने बैठी हूँ, और अगर आप टीचर को ऑबे करना चाहिए एज अ गुड स्टूडेंट, एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान होती है। और अगर आप पहले ही उसमें अगर अपने हमको नहीं सुनेंगे तो फिर आगे आप क्लास में कैसे हमारे को फॉलो करेंगे? ठीक है, अगर किसी की बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम है वो नहीं खोल सकते, एक अलग बात है, लेकिन कोशिश करें कि सभी लोग अपने कैमरास ऑन करें। कल को आप लोग भी टीचर बनेंगे, आप लोग भी सिखाएंगे, तो आप लोग भी जरूर चाहेंगे कि आपकी जो भी आप लोगों से सीखे वो आपको ओबे करें, आपकी बात को माने, ताकि आप उनके साथ ज्यादा अपने आप को कनेक्टेड महसूस कर पाए। तो प्लीज ओपन योर कैमरा। चलिए, हाँ, तो मैं कहाँ पर थी, मैं यही बता रही थी आपको कि जितने भी, जब हमारा स्ट्रेस, हमारी एंजाइटी, हमारा डिप्रेशन, हमारी उस चीज, जब ये, अच्छा, जिनकी कोई बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम है उनका कोई बात नहीं, बट अधिकतर लोग अपना कैमरा ऑन करें। कोई बात नहीं, जिनका बहुत ज्यादा जेन्युइन प्रॉब्लम है वो ना खोले, बट बाकी के सभी लोग अपने कैमरास ऑन करें। हाँ, जब हमारे जीवन से ये सब नेगेटिविटीज बाहर आती हैं, पॉजिटिविटी हमारी बॉडी के अंदर, हमारे विचारों के अंदर, हमारी सोच के अंदर जब आती है, जब हमारा स्ट्रेस खत्म होता है, तो बीमारियां ऑटोमेटिकली हमारे शरीर से बाहर निकलने शुरू हो जाती है। लेकिन उसके अलावा जब आपके पास कोई पेशेंट आता है तो आप कैसे उसको हील करें? हर एक बीमारी के लिए आप कैसे काम करें? हर बीमारी पर आप, बहुत सारी बीमारियां हैं, अगर आप इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो अनगिनत बीमारियां हैं, अनगिनत। लेकिन हर बीमारी का जो कनेक्शन होता है वो आपके 7 चक्रास से रिलेट कर, आपके 7 चक्रास के अंदर, हर आपके 7 चक्रास आपके हर बॉडी ऑर्गन के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे अगर आप अपने रूट चक्र को लेके चलते हैं तो रूट चक्र के, अगर आप इमोशनली बात करते हैं तो आपको स्ट्रेस मिलता है, आपको अंदर एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग आती है अगर वो आपका ब्लॉक है। उसके अलावा आपकी जो बॉडी में प्रॉब्लम आती है, आपके पैरों में दर्द होने लगता है, आपके घुटनों में दर्द होता है, आपके जितने भी पैरों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं वो आपके रूट चक्र से आती है। आपको जो भी आपकी किडनी के अंदर, ये आपके सैक्रल चक्र से प्रॉब्लम आती है। अगर आपके स्टमक में कोई प्रॉब्लम है तो आपके लीवर में प्रॉब्लम आएगी, आपकी लॉन्ग इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इस तरीके से आपके हर एक चक्र के साथ आपकी बॉडी पार्ट्स जुड़े होते हैं। तो जब भी कोई इस तरह के आपको करना है तो आपने हर चक्रा को हील करना है। जो भी, अगर सपोज किसी के पास पैरों के प्रॉब्लम है, सपोज किसी को कैंसर है पैरों, पैरों के अंदर किसी के थाइस के अंदर कैंसर है, तो आपने सबसे ज्यादा किसको हील करना है? सबसे ज्यादा एक तो जो लोकल पार्ट है जहां पे आप हीलिंग करें उसको आपने हील करना है। उसके बाद आपने उसके जो चक्रा है, आपका रूट चक्र है, उसको हील करना है, जिसमें हम साइकिक सर्जरी करते हैं। साइकिक सर्जरी के माध्यम से आप उसके अंदर पहले उसको क्लीन करते हैं, वहां से जो भी नेगेटिविटी है उसको रिलीज करते हैं, एंड देन आप वहां पे सिंबल्स को यूज करते हैं, आप उन सिंबल्स के साथ वहां पर हीलिंग करते हैं। तो उसके अलावा
बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जब आप कोर्स को करेंगे तो पर्टिकुलर कैंसर के लिए आपको अलग अलग से सिंबल्स मिलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आता है कि कैंसर से, डायबिटीज से, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सब चीजें बहुत आते हैं क्वेश्चंस की, इनके लिए कोई पर्टिकुलर सिंबल आप बताइए। ठीक है, जहां तक बात है शुगर की, आजकल बहुत ही कॉमन हो गई है। तो देखो, शुगर कोई बीमारी नहीं होती है, शुगर सिर्फ आपके इमोशंस होते हैं। अगर आप अपनी हेल्थ के ऊपर, यानी कि आप रेगुलर, जैसे मैं बोलती हूँ कि पीटोथेरेपी, अगर आप पीटोथेरेपी करते हैं तो शुगर ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाएगी। उसके अलावा आप अपने चक्रास की हीलिंग करेंगे, शुगर ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारी चीजों के लिए पर्टिकुलर सिंबल्स भी हैं जो कि हम सीखेंगे इस क्लास के अंदर। उसके अलावा हमारे वेट लॉस के लिए बहुत लोग बोलते हैं कि मैम वेट लॉस के लिए कोई हमको सिंबल्स बताइए, तो वेट लॉस का भी हम यहाँ पर करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए बहुत आते हैं कि आजकल लोगों के अंदर, बहुत ज्यादा बच्चे आजकल मोबाइल के अंदर करते हैं पीटो थेरेपी, पीटो टैपिंग, टैपिंग एक्सरसाइज होती है, टैपिंग, फुल बॉडी को टैप करना। ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए आता है। हाँ, पीटो, पीटो अगर आप डालेंगे तो पीटो के नाम से आपको मिलेगा, नहीं तो आप टैपिंग एक्सरसाइज डालेंगे तो भी। वेल, स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा आता है कि आजकल मोबाइल का बहुत ज्यादा बच्चों के अंदर हो गया है एडिक्शन, हर वक्त वो मोबाइल के अंदर ही बैठे रहते हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं। तो उन सब चीजों से रिलेटेड पर्टिकुलर उन सब चीजों के ऊपर भी काम है, वेट लॉस के ऊपर काम है। ये सारा मैंने इस बार बड़ा सोच समझ के पूरा बनाया है कि किस तरीके से मुझे जो ज्यादा मार्केट में, जो मुझे, मेरे पास जो आते हैं लोगों के व्यूज आते हैं, जो लोग मेरे को बोलते हैं कि उनको इस बीमारी से रिलेटेड ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वेट लॉस से रिलेटेड बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, और जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है वो आता है रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आती है, धन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। हालांकि धन से रिलेटेड हमने अभी मनी रेकी का कोर्स किया था, मनी रेकी में बहुत सारे हमने ऐसे टोटके टाइप्स आप लोगों को बताया था, जिसके कारण, जिससे आप है उसकी हेल्प से आप उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी हम उससे रिलेटेड आपको कुछ सिंबल सिखाएंगे, एबेंडेंस, जिससे कि आपके जीवन में एबेंडेंस आए। एबेंडेंस का मतलब क्या होता है? हर रूप में आपका जीवन खूबसूरत होना चाहिए, फिजिकली भी, मेंटली भी, और फाइनेंशियली भी, हर रूप में। आपके पास, आपका बॉडी भी अच्छे से काम करना चाहिए, आपके पास अच्छा पैसा भी होना चाहिए, और उस पैसे का सदुपयोग भी होना चाहिए, तो उसको आप बोल सकते हैं अबेंडेंस। ठीक है, तो यहाँ पर किस तरीके से वो सब चीजें आपको सिखाऊंगी मैं, प्लस वेट लॉस के लिए, वेट लॉस आपका हो रहा है, लेकिन रेकी के जरिए बहुत लोगों ने अपना वेट लॉस किया है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक पर्टिकुलर सिंबल्स बताऊंगी जिनसे आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको कुछ सीजल्स भी सिखाऊंगी, जैसे कि जो ब्लैक एनर्जी, नेगेटिव एनर्जीज, ईवल आई से लोग बहुत परेशान होते हैं कि बार बार वो नजर उनके आती जाती है, बार बार वो टोटका उनको लगते रहते हैं, या बहुत लोगों के ब्लैक मैजिक के तो उतना इतना वो होता है कि मतलब बहुत ज्यादा। अब देखो, ये चीजें जो होती हैं आपके एक दिन में या दो दिन में तो ठीक नहीं होती है, इसके लिए आपको थोड़ा सा समय जरूर लगता है, बट उनके लिए मैं आपको सीजल्स दूंगी ताकि आप उनको इजिली से अपने, उनको ठीक कर सको, उन प्रॉब्लम्स से आप बाहर निकल सको। स्टूडेंट्स के बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, बहुत सारे आजकल ऐसे ऑनलाइन एप्स आ गए हैं जिसके अंदर बच्चे घर में बैठ के पढ़ाई करते हैं, कैमरास बंद कर देते हैं, और उसके बाद पढ़ाई तो करने के लिए होते हैं टीचर्स को, वो लोग इतने बड़े बच्चों को कोई कुछ कहता भी नहीं है, तो पेरेंट्स बहुत परेशान हैं, बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कि हमने इतना इन्वेस्ट करा है इन बच्चों के ऊपर, इतना पैसा लगाया है, और ये लोग उस चीज की कदर नहीं करते हैं। तो किस तरीके से उन बच्चों को ठीक करना है, उनके लिए कौन कौन से आप सिंबल्स को यूज करके पर्टिकुलरली उनकी हीलिंग कर सकते हैं, तो ये सब यहाँ पर मैं सिखाऊंगी आपको। तो ये मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स लिखे हैं जो स्पेशल इन चीजों के लिए है। ठीक है, आगे
देखिए जैसे कि हमारा एक जोनार सिंबल है, जोनार सिंबल बहुत ही कॉमन है, हम उसको कार्मिक इश्यूज के लिए यूज करते हैं। आप जानते हैं कि ये जोनार सिंबल कहाँ से आया था, ये जोनार सिंबल हमारे को किसने दिया था, ये जोनार सिंबल हमारे को किसने दिया था, कोई बता सकता है? कोई बता सकता है जोनार सिंबल? जो लोग भी यहाँ पर मास्टर्स बैठे हैं कोई बता सकता है जोनार सिंबल हमें कहाँ से? करुणा रेखी का मैम, हाँ करुणा रेखी का तो है, लेकिन वो हमें मिला कहाँ से? थोड़ा याद करना है। कैथरीन रिमूव इन्फेक्शंस, हाँ जी क्या बोला आपने? इन्फेक्शन रिमूव करने के लिए है क्या? जो नया सिंबल आपके हर तरीके से कार्मिक इश्यूज को क्लीन करने के लिए है। हाँ यस ओके। कार्मिक इशू के लिए हम जोनार सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो हमें मिला कहाँ से, आया कहाँ से? कैथलीन मिलनर जो कि अमेरिका की एक कलाकार थी, उनके जरिए हमें ये सिंबल मिला। और उन्होंने उन्हें ये सिंबल कहाँ से मिला? उनको ये सिंबल साईं बाबा से मिला, ठीक है? साईं बाबा जी से उनको ये सिंबल मिला और फिर ये सिंबल हम तक पहुंचा। साई बाबा जी कौन से रिलीजन के थे, आज तक किसी को नहीं पता कि वो हिंदू थे या मुसलमान। इसीलिए ये जितने भी सिंबल्स हैं इसके अंदर कोई भी धर्म का नहीं है, इसको कोई भी धर्म का व्यक्ति सीख सकता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई, ठीक है? ये सिंबल्स जो हैं ये पूरी तरीके से आपके वाइट एनर्जी हैं। हाँ जी नारायणा जी, मैंने बताया आपको कि ये आपको साई बाबा जी से मिले। तो ये सिंबल्स आपके लिए पूरी तरीके से पॉजिटिव सिंबल्स होते हैं। ये सिंबल्स किसी भी तरह का कोई काला जादू नहीं है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भी होता है कि कोई किसी तरह की कोई नेगेटिव एनर्जी तो नहीं है, कोई काला जादू तो नहीं है, किसी प्रकार का कोई प्रेत विद्या तो नहीं है, कोई यहाँ पर किसी प्रेत के साथ तो काम नहीं कर रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल व्हाइट एंड प्योर एनर्जी है, प्योर लाइट है। तो हर एक एक सिंबल की ना एक हिस्ट्री होती है जो कि हम हर क्लास में नहीं बताते। जैसे कि आपने जोनार सिंबल को शायद से आज हम लोग यहाँ पे कितने सारे मास्टर्स बैठे हैं, तो हर क्लास में आप उनको वो एक्सप्लेन नहीं करते, लेकिन जब आप यहाँ पे सीखेंगे तो जैसे आपको हर एक एक चीज को मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगी, ताकि आप उसको और ज्यादा अपने आप के साथ कनेक्ट महसूस करें, ठीक है? अब आप बताइए, कोई भी आपका कोई क्वेश्चन है इन सिंबल्स से रिलेटेड तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है इन सिंबल्स से रिलेटेड? मैडम जेबू सिंबल्स रहते हैं ना? एक मिनट। हाँ जीबू सिंबल्स भी रहते हैं। जीबू सिंबल्स ऐसे सिंबल्स होते हैं जहां पर आपको किसी भी अट्यूनमेंट की जरूरत नहीं होती, वो आप डायरेक्ट सीख कर और डायरेक्ट उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम आपको कुछ जीबू सिंबल्स भी मैं सिखाऊंगी, लेकिन सारे जीबू सिंबल्स नहीं होंगे, तो आपको यहाँ पर हम हर सिंबल के साथ आपका अट्यूनमेंट भी होगा, ठीक है? चलिए हाँ पूछिए प्रमोद जी। नमस्कार मैडम, मेरे को ये पूछना था कि इसमें क्या ज्यादातर बड़ी क्रॉनिक बीमारियां कवर हो जाएगी क्या? देखिए आप कोई भी कोर्स करते हैं ना रेकी से रिलेटेड, जहां मतलब मैं रेकी के बारे में जानती हूँ, तो हर उसके अंदर आप क्रॉनिक डिजीज को कवर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। अगर आपने आपने तो ग्रैंड मास्टरशिप करा है,
तो आप हर तरह की क्रॉनिक डिजीज को कवर कर सकते हैं। और यहाँ पर जो आप सीखेंगे वो तो मैंने आपको बता ही दिया है कि वो एक पर्टिकुलर चीजों के लिए आप उनको यूज करेंगे। तो जैसे कि वो क्रॉनिक डिजीज ही होता है ना, कैंसर जैसे मैंने आपको एक नाम लेके दिया, पैरालाइज्ड हो गया, कुछ भी, ये सब मैंने आपको नाम लेके दिए हैं। तो ये सब एक क्रॉनिक डिजीज है। तो तो इसमें आप, हर सिंबल का अलग ट्रीटमेंट होगा क्या? हाँ, हर सिंबल का आपको अलग अटूटमेंट होगा, लेकिन जो यहाँ पर मैं कुछ जीबू सिंबल दूंगी, ज्यादा नहीं है, 5 6 10 के आसपास होंगे जीबू सिंबल जो मैं आपको सिखाऊंगी, उनका अटूटमेंट नहीं होगा, क्योंकि जीबू सिंबल्स के लिए अटूटमेंट की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो आप तो डायरेक्ट यूज कितने कर दिन में सकते। हो जाएगा ये? ये 3 मंथ्स का कोर्स है जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। ये सारा हमारा कोर्स कंटेंट है, जैसे कि आपको मैंने बता ही दिया है कि 100 सिंबल्स यहाँ पे सिखाए जाएंगे, हर प्रकार की आपकी जो भी ब्लॉकेजेस हैं मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से, वो सारी ब्लॉकेजेस को यहाँ से रिमूव किया जाएगा। आपको सिखाया जाएगा सिंबल्स के माध्यम से, आपके जो भी कार्मिक इश्यूज हैं, फिजिकल पेन है, वो सब आपके ठीक किया जाएगा, रिलेशनशिप इश्यूज आपके किए जाएंगे, एमरजेंसी हीलिंग भी आपको सिखाई जाएगी। एमरजेंसी हीलिंग होता तो सेम प्रोसेस ही होता है, पर उसको करने का थोड़ा सा तरीका अलग होता है जो मैं आपको क्लास के अंदर सिखाऊँ। ठीक है, और अटूनमेंट आपको मिले हर एक सिंबल का आपको अटूनमेंट। ठीक है, ये कोर्स जो है हमारा स्टार्ट होगा 25 मार्च से। मैं परेज चल रहा है। हाँ बताइए, कौन किसने अपना हैंड रेस किए हैं? हाँ बताइए गुंजन जी। मैं हाँ दोबारा से अपना आपको अनम्यूट करें। हाँ जी गुंजन जी, जी हाँ राधे राधे। हाँ जी, इसमें मेरा मुझे इंग्लिश भी नहीं आता, हिंदी हाउसवाइफ हूँ मैं, पढ़ी लिखी ज्यादा नहीं, लेकिन मुझे रैंकिंग का ये जो बता रहे कि क्योंकि निगेटिविटी से तो मैं बहुत लड़ गई हूँ, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी और घर में भी इशू है, तो मैं ये सीखना चाहती हूँ। और हमारे अंदर जो भी है कार्मिक या ये सब पूरा प्रॉब्लम, इसको भी दूर किया जाएगा, और ये क्या है मुझे मालूम नहीं है। क्रिस्टल हीलिंग मैंने इसी की वजह से सीखी हूँ, और इसमें ही जूम आते जा रहा है, तो मैं कोर्स रैंकिंग के विषय में सारे थोड़ा थोड़ा जानकारी मिल रही कि क्या है क्या नहीं, लेकिन आपका क्लास कैसे क्या है, और इसमें सारा निगेटिविटी मेरे दूर हो जाएगी, मेरे घर में प्रॉब्लम, मेरा इशू क्या है, मेरा कार्मिक क्या है, ये सब आप रिलीज कर देंगे और मुझे बताएंगे, क्योंकि मुझे आता नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं 0। जैसे बच्चा स्कूल में जाते हैं, नर्सरी या जूनियर जिसमें प्ले ग्रुप में जाते हैं, तो वैसे मैं हूँ कि मुझे कुछ भी एबीसीडी कुछ भी नहीं आ रहा है, और इसमें मैं ये सीखना चाह रही हूँ। अच्छा ठीक है, पर ये बताए कि आपने कोई कोर्स किया है रेकी का या लामा नहीं का, कुछ भी? नहीं देखिए नहीं नहीं उसके लिए ना पहले आपको कुछ ऐसा कोर्स स्मॉल लेवल पे करना पड़ेगा, जैसे अगर आप ग्रैंड मास्टरशिप करती हैं या फिर मास्टरशिप करती हैं, तभी आप इन सिंबल्स को यूज कर पाएंगे। जैसे कि मैंने अभी पहले ही बताया फर्स्ट क्लास को स्टार्ट होते ही, कि ये सिंबल सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, या फिर जिन्होंने सीखा है अभी अभी, न्यू न्यू सीख के आए हैं, तो वो इसको सीख सकते हैं। लेकिन जैसा आपने बोला कि अभी आप सिंपल, अभी आपने इस चीज के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, तो पहले आप लोग आप ना रेकी सीखिए, क्योंकि रेकी को आप सीखिए पहले, उसके बाद आप इसको सीख सकते हैं। रेकी बोलते हैं, इसमें जो सीखे थे हीलिंग, 9 o'clock स्पिरिचुअल जर्नी का रैकिंग बता रही थी, तो मैडम जी से मैं सिखा रही, 9 9 बजे का क्लास चलता, तो बोली कि रैकी हमें चूज करती, हम रैकी को चूज नहीं करते हैं, रैकी हमको सीखने के बाद भी हमको रैकी छोड़ना चाहे छोड़ सकती है, तो इसकी वजह से मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं, तो इसकी वजह से मैं कुछ इस फील्ड में सोची भी नहीं, लेकिन 2 3 बार आपका ही क्लास, शायद 2 3 बार क्लास अटेंड की हूँ, तो ये इसीलिए मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ा। देखिए, जो हमारा एक फर्स्ट थॉट होता है ना, वो जी हमें हमेशा सही बात बताता है। जो हमारा जी सेकंड थॉट होता है ना, वो हम कैलकुलेट करते हैं अपने दिमाग के, जी
दिमाग के अंदर कैलकुलेट करके फिर हम हमारे सेकंड थॉट पे आते हैं। तो पहली बात तो हमें हमेशा अपने फर्स्ट थॉट के ऊपर, अपने इंट्यूशंस के ऊपर काम करना चाहिए। सेकंड पॉइंट की ये बिल्कुल सही है कि रेकी या कोई भी मोडालिटी आपको चुनती है, आप उस तक पहुंचते हैं। लेकिन अगर आप बार बार मेरे कांटेक्ट में आ रही हैं, तो इस रेकी ने आपको चुना है, तभी तो आप बार बार मेरे से मिल रही हैं तभी तो आप बार बार मुझसे मिल रही है ना। अब ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास हीलिंग के लिए, और वो दूसरे दूसरे वो लोग सोचते हैं कि मैं यहाँ पे रेकी नहीं कराती हूँ, मैं कुछ और कोर्सेज करवाती हूँ और उनसे हलीम कनेक्ट होती। हलीम हलीम कोर्स के विषय में आपसे से बात हुआ था ना, हलीम नहीं मैं कोर्स नहीं के लिए। सिखाती हूँ, मैंने आपको यही बता रही हूँ ना कि वो मेरे से ही कनेक्ट होते हैं। वो सीख रहे कुछ और कोर्स है, उनका टीचर कोई और है, लेकिन वो मुझको कांटेक्ट करते हैं ये सोचकर कि मैं वो टीचर हूँ। और फिर जब मैं, तो अगर वो कुदरत उनको बार बार जोड़ रही है, तो इट मीन्स वो चाहते हैं ना कि आप उस चीज को सीखें। ये आपको इंट्यूशन अपने इस्तेमाल करनी पड़ेगी, है ना। और जब आप सीखेंगे, आप कुछ भी करें, आप लेवल 1 2, मतलब अभी आप एकदम शुरुआत में सीखें, उसके बाद आपको खुद ही फीलिंग आएगी कि आपको करना है नहीं करना है। अगर मैं अपनी बात करूं, तो जब मेरे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव थे, मुझे नहीं मालूम था रेकी क्या होती है, बहुत साल पहले की बात है ये, लेकिन मैं स्पिरिचुअल लाइफ में थी, भगवान को बहुत मानती थी, पूजा पाठ करती थी, मंत्र जाप ये सब बहुत करती थी। तो मुझे किसी ने कांटेक्ट किया, करवाया, मैंने उनसे पूछा कि ये क्या होता है, तो उन्होंने मेरे को बताया, उन्होंने ऐसी घर में एक क्लास भी ली, मुझे अच्छा लगा, पर मुझे समझ में नहीं आया, उतना लेवल पे समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि जब हमारा मेंटल स्ट्रेस इतना हाई लेवल पे होता है ना, तो हमें एकदम से चीजें कनेक्ट नहीं हो पाती, हम एकदम से उन चीजों को समझ नहीं पाते, लेकिन हमें अच्छा महसूस होता है। हम मेडिटेशन करते हैं, हम अच्छी अच्छी धार्मिक बातें करते हैं, एक पॉजिटिविटी आती है हमारे, पर हम उसको उस लेवल पे समझ नहीं पाते कि हम उसे सीखें, और अगर हम सीख रहे हैं तो हम उसको कैसे यूज करें, या फिर हम आगे तो उस वक्त हम सोचते ही नहीं है, उस वक्त तो सिर्फ इतना ही सोचते हैं कि हम सीख लें, हमें समझ में आ जाए, और जो हमारे जीवन में परेशानियां चल रही हैं उनको हम हील कर सके, यही सोच के आते हैं ना हर व्यक्ति क्लास के अंदर, ज्यादातर तो यही सोच के आते हैं। मैं तो यही सोचू पहले खुद को सेपरेट कर लूं तो हाँ अगले बिल्कुल, को मैं सेपरेट कर सकूंगी कि मैं अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगी भी। और जो मुझे घर में जो मेन मुद्दा है धंधे की से डायरेक्ट मैं बोलती, जो दिखता है वही बिकता है। पहले हम खुद सुधरेंगे, हमारे लाइफ में खुशियाँ जो जिस चीज के लिए तरस रहे वो चीज हम हासिल करेंगे, तो ही अगले के लिए हम फोर्स कर सकते हैं। हमारा हुआ तो हमसे 4 इंसान पूछेंगे कि तुमने क्या किया कैसे किया, तो हम बता पाएंगे। तो मैं भी यही आपको कह रही हूँ कि जी उसको, लेकिन जब हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस हो जाता है ना, तो हम बहुत है समझ नहीं पाते, बट उसके लिए हमें खुद अपने मन को स्ट्रांग करके करना पड़ता है। जैसे मैं अगर अपनी बात करती हूँ, तो मेरे को समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन मुझे अच्छा लगा, मैंने उसको छोड़ दिया बीच में, पूरा 1 साल तक मैंने उसको नहीं किया, बस वो जी मेरे दिमाग में था, और जैसे यूट्यूब पर इधर उधर से मैं बहुत ऐसे देखती रहती थी, पूरा दिन मेरा यही रहता 2 दिन से मेरा भी यही, 2 साल से यही मेरा चल रहा है, यूट्यूब से ही देख देख के ये सब, तो और जैसे बताइए। अभी तो क्या है ना, अभी आज के टाइम पे क्या है कि आप लोगों को बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं, हर चीज ऑनलाइन मिल जाती है, ऑनलाइन अरे क्लास नहीं है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले आपको जाना पड़ता था, पहले आपकी फीसेस इतनी हाई होती थी, अभी तो फीसेस भी इतनी कम हो गई हैं। ठीक है, वो बात और है कि आई अंडरस्टैंड कि जो लोग घर में रहते हैं, जिनका सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उनके लिए ये भी ज्यादा है, जी, मेरे पास कोई इनकम नहीं है उनके लिए ये भी ज्यादा है। लेकिन जी। पहले जब हमने सीखते थे, तो हम लोग सेंटर्स पे जाते थे, और सेंटर्स में कहीं पर हमारा 10,000 रुपया लगता था, कहीं पे 50-50 हज़ार रुपया भी लगता था, और अभी भी इतना फीसेस है उस जगह, मतलब उन लोगों की जो एक बार उनकी मार्केट जिनकी बन चुकी है। ठीक है, तो उस समय जब आप फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारे चैलेंजेस चल रहे थे लाइफ के अंदर, बहुत सारी चीजें थी, डिफिकल्ट समय था, लेकिन फिर मैंने 1 साल तक घर में बैठ के उसके ऊपर काम करा, घर में बैठने के काम करा, फिर उसके बाद मेरे को अंदर से आया कि नहीं, मुझे सीखना चाहिए।
उसके बाद मैं गई, मैंने सीखा, ग्रैंड मास्टर तक सीखा, लेकिन तब भी ऐसा कुछ आता नहीं था, आता कुछ भी नहीं था। और खुद को ऐसा लगता था कि ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं, आता तो कुछ है ही नहीं, कोई कहेगा तो, मतलब अपने आप को एक शर्म वाली बात होती थी ना कि आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट करोगे, किसी को बताते हुए भी आपको एक हेजिटेशन होना। फिर मैंने उसके ऊपर पर्सनल लेवल पे बैठ के बहुत काम की, बहुत काम किया, तभी आज आप लोगों के सामने यहाँ पर बैठी। तो ये आपकी इंट्यूशंस भी आपसे काम करवाती हैं, समय और वक्त आपके साथ काम करवाता है, वाह, लोग आपको ऐसे मिलते चले जाते हैं अगर किसका आपकी है? भावना वैसी मेरा वो रसूल का होती, बता रहे हैं। हाँ अगर आपकी भावनाएं वैसी होती हैं तो लोग आपको वैसे मिलते चले जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपने आप को स्ट्रांग करना है, अपने आप को स्ट्रांग करना है, उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना। चलिए, हाँ बताइए अंकिता जी, आप क्या पूछना चाहती हैं? नमस्ते मैम, एंड नमस्ते। थैंक यू सो मच बट ज्वाइन करने के लिए और समझने के लिए कि अभी मैं कैमरा ऑन नहीं कर सकती, आई एम सॉरी फॉर दैट। एंड वो एक कंफ्यूजन है, मतलब मुझे अंदर से मुझे इंट्यूशन आ रहा है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। तो रेकी लेबल वन मेरा कंप्लीट हो चुका है, तो जहाँ मैं सीख रही थी, मतलब टू टाइम्स या थ्री टाइम्स मैंने अटूनमेंट ले ली है। और जब मैं शक्ति पाठ चल रहा था, जो 24 पार्ट्स का जो कोर्स, मतलब जो इनिशियली 21 डेज का जो प्रैक्टिस होता है, वो ऐसा था कि जब हमारा 8 8 4 सॉरी लास्ट मेरा तबीयत लास्ट ईयर बहुत ज्यादा खराब था, मुझे क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस है, तो उस मेडिकल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब था। तो मैंने जब रिकवर किया तो रिकी का मुझे पता था, तो मैंने फिर रिकी ज्वाइन कर लिया। तो उस वक्त ये हुआ कि उसके बाद एक पोर्टल था जहाँ मैंने कुछ देखा था और मैं भूल गई थी मेडिटेशन के टाइम। तो क्लासेस में 8 8 पोर्टल के बाद अभी कुछ 1 महीना भी नहीं कंप्लीट हुआ था, और मैंने उसके बाद शुरू किया 24 पार्ट्स, एंड ड्यूरिंग दैट आई लॉस्ट माई मदर। तो मेरे अंदर ना मैम, और मुझे फिर याद आया कि हाँ, मैंने 8 8 पोर्टल के टाइम मैंने देखा था कि मेरी माँ के फोटो पे से चंदन और माला चढ़ा हुआ था। तो वो ना, मतलब मैम ऐसा पहली बार नहीं हुआ, मतलब बचपन से ना कुछ आते रहते हैं, कनेक्शन है, कुछ मुझे ऐसे इंट्यूशन आ जाते हैं, मतलब मुझे नहीं पता, पर मेरा अंदर का अंदर से मुझे आवाज नहीं है कि तुम बूस्टर डोज लो, कोरोना के लिए कुछ ट्रीटमेंट लो, तुम सही हो जाओगे। मतलब मेरे अंदर से एक होता है ना अंतरात्मा जैसे कहते हैं हम, तो वहां से जो आता है ना, पता नहीं वो सही हो जाता है, दूसरों के लिए भी ना कभी सही ही निकलता है। तो मेरा ना मैम प्रॉब्लम ये है कि मैं खुद को समझा रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि नहीं, मुझे अभी लेवल 2 ज्वाइन करना चाहिए, मैं कंप्लीट कर लूँ तो शायद मेरे हेल्थ बेटर हो सकते हैं। पर पता नहीं क्यों, उस मतलब जहां से मैं सीख रही हूँ लेवल 1 कांटेक्ट है सब, पर पता नहीं मेरे अंतरात्मा जो है वो मुझे परमिशन नहीं दे रहा है दोबारा वहां जाके सीखने के लिए। मैं रेकी इसीलिए सीखना चाहती हूँ कि इनिशियली मुझे मेरा तबियत ठीक रखना है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि आप अगर खुद के साथ सही नहीं कर रहे तो वो कहीं ना कहीं एक पाप ही है, क्योंकि हर एक इंसान में नारायण रहते हैं। तो आपका खुद का इमोशन हो गया, सेल्फ रिस्पेक्ट हो गया, आप इसके ऊपर नहीं काम करते हो, या फिर कोई बीमारी का चक्र इम्बैलेंस के वजह से हुआ है, आप उस पर ध्यान नहीं देते हो, तो कहीं ना कहीं आप खुद के साथ नाइंसाफी कर रहे हो, तो ये भी कहीं ना कहीं पाप है। यही हो रहा है मेरे साथ। तो मैं लेवल 1 के चलते मतलब खुद को बैलेंस कर लेती हूँ, पर मैं बहुत डीट इंसान हूँ, और पता नहीं क्यों मैम मैं खुद को अलाउ ही नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे उस इंसान से, मतलब जो गुरु जी से मैं सीख रही हूँ, मुझे उनका वाइब सही नहीं लग रहा है आजकल। और मैं चाहते हुए भी, मतलब पैसा भी कलेक्ट कर लूँ, रख लूँ क्लासेस के लिए, मतलब नहीं हो पा रहा है मैम, मैं खुद को अलाउ नहीं कर पा रही हूँ। तो एंड आप गुरु का अपमान नहीं करते, पर नहीं, पता नहीं मैं खुद को अलाउ नहीं कर पा रही हूँ मैम। आप गुरु का अपमान नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। हर किसी के साथ हमारा कनेक्शन नहीं होता, आपको जहां अच्छा लगे आप कहीं और से करो, जरूरी नहीं कि आप वहीं से करो। और रही बात, आपने 24 बॉडी पार्ट की हीलिंग करी और आपकी मदर चले गए, तो उससे उसका कोई भी कनेक्शन नहीं है।
और अगर आपने मेडिटेशन के द्वारा उनको देखा है तो आपकी अच्छा है ना, आपकी मेडिटेशन पावर्स अच्छी हैं, आपको उस यूनिवर्स के साथ जल्दी कनेक्ट होते हैं, इसीलिए आपको वो इंट्यूशन आ गई पहले, ठीक है। और देखिए, किसी के जीवन को हम रोक नहीं सकते, अगर उनको जाना है तो उनको जाना है, आप उसको नहीं रोक सकते, आपको खुद अपने आप को बैलेंस करना पड़ेगा उस सिचुएशन को हैंडल करने के। ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हमारे पास में आते हैं जिनकी हीलिंग्स हम लेते हैं, और हमें मालूम होता है कि ये लोग ज्यादा दिन के लिए नहीं बचेंगे, पर हम उनको क्लियरली नहीं बोल पाते। कभी कभी ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि हम नहीं बोल पाते हैं, ठीक है, और कभी कभी हमें मजबूरी में बोलना पड़ता है अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करके। क्यों? क्योंकि हमें कंडीशंस पता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी हीलिंग से ऐसा हो गया, इसका मतलब ये नहीं होता है। तो जो जाना है जिसको, उसको तो जाना ही। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं यहाँ पर, वो कहते हैं कि मैडम हमने हीलिंग करी थी, हमने 2 दिन, अभी पीछे ही किसी का आया था कि उन्होंने हीलिंग करी थी, एक न्यू बॉर्न बेबी को हीलिंग दी थी, और जब उन्होंने न्यू बॉर्न बेबी को, मतलब वो बीमार हो गया था, तो उन्होंने उसको हीलिंग दिया, हीलिंग जब तक देते रहे वो बच्चा जिंदा रहा, फिर उनके घर वालों ने बोला कि ठीक है अब हमारा बच्चा सही है, अब आप इसको हीलिंग मत दें, और जैसे ही वो उसको घर पे लेकर आए उन्होंने उसकी हीलिंग बंद करी, उसके नेक्स्ट डे वो चला गया। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी होती हैं कि आप, मतलब आप सिर्फ हीलिंग एनर्जी के माध्यम से ही उस व्यक्ति को जिंदा रख पा रहे हैं, तो आप कब तक उसको जिंदा रख पाए? जब तक उसका समय होगा वो तब तक ही जिंदा रह पाए। तो इस चीज को बिल्कुल इस चीज के साथ कनेक्ट नहीं करिएगा आप कि आपने हीलिंग करी अपनी 24 बॉडी पार्ट की तो उसका असर आपकी मदर के ऊपर हुआ, नहीं। हाँ, कभी कभी हीलिंग से ऐसा जरूर होता है कि जैसे कोई व्यक्ति बीमार है, आप उसकी हीलिंग कर रहे हैं, तो वो बीमारी बाहर निकल जाती है, मतलब वो बीमारी और उभर के आती है सामने, अंदर तक वो बीमारी बाहर आ जाती है कि ठीक है, वो बीमारी और ज्यादा आपको इनहेंस होके बाहर आती है, तो आपको लगता है कि अरे हम तो इस व्यक्ति की हीलिंग कर रहे हैं और ये व्यक्ति तो और बीमार हो गया है। ऐसा नहीं होता है। अगर वो ऐसा होता भी है ना कि वो बीमारी बाहर आ रही है, तो भी आपकी हीलिंग चलती रहनी चाहिए, चलती रहनी चाहिए, क्योंकि वो धीरे धीरे करके अपने आप से खत्म हो जाएगी। कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि जैसे कोई आपके, आप हीलिंग कर रहे हैं ना, कोई आपके दबे हुए इमोशंस होते हैं वो एकदम से बाहर आते हैं, और आपको बहुत घबराहट होने लग जाती है, बहुत आंसू आने लग जाते हैं, मतलब एक नॉर्मल मेडिटेशन की बात बता रही हूँ मैं आपको, आपको रोने लग जाते हो, आपकी इमोशंस बाहर आते हैं, और बहुत दिनों तक आप उस ऑरा में रहते हो, आसपास के लोग, मतलब इरिटेशन होने लगती है, लेकिन अगर आप तब भी उस काम को करते रहोगे ना, लगातार हीलिंग करते रहोगे तो धीरे धीरे वो इमोशंस आपके ठीक हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। तो इस तरीके से कभी कभी बीमारियां भी सामने आती, और कभी कभी जब बीमारियां सामने आती हैं तो आप घबरा जाते हैं, जब कोई न्यू लर्नर होता है ना वो घबरा जाता है, उसको लगता है कि ये क्या हो गया, कहीं मुझसे कुछ गलती तो नहीं हो गई है, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। नहीं, गलत नहीं होता है, वो इमोशंस बाहर आते हैं, बीमारी भी एक प्रकार की इमोशंस है, वो इमोशंस आपके बाहर आते हैं और फिर धीरे धीरे करके वो वहां से ठीक हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे नहीं, घबराना नहीं है, और इस चीज को गलत उसमें भी नहीं लेके जाना, ठीक है। मैम, एक्चुअली वो चीज ये हुआ कि मतलब वो दोनों चीज जो होती है वो अलग अलग थे, क्योंकि मैं घर पे भी नहीं थी। मतलब मैं ब्लेम नहीं कर रही हूँ, मतलब कुछ ट्रोमा जो होता है ना वो, मैं बिगिनर थी और मतलब वो ऐसा अंदर रह गया है ना, दो चीजें कि मतलब मैं एक तो उस ट्रोमा से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ कि मतलब ये हो गया, मैं दोबारा अगर करूँ, अगर कुछ हो गया तो मेरे साथ या ऐसा कुछ गड़बड़, तो मतलब डर लगा रहता है एक, मतलब जो कि नहीं चाहिए। और ये इमोशनल इम्बेलेंस का सिंबल है। और दूसरी बात ये है कि मैं लेवल टू अच्छी जगह से करना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना मैम कि हमारे घर पे हम माँ को इसीलिए अलाउ करते हैं खाना पकाने के लिए, क्योंकि वो पार्शियलिटी नहीं करते, उनका जो मन होता है वो साफ होता है। तो जिस गुरु से भी हम कुछ चीजें सीखते हैं ना, तो उनका जो नेचर होता है, जो गुण होता है, वो कहीं ना कहीं अट्यूनमेंट के दौरान हो या कहीं भी इन्फ्लुएंस के थ्रू हो, हमारे अंदर आ जाते हैं कहीं ना कहीं। तो वो जो मतलब जहां से सीखा था ना, मतलब मैं
नहीं चाहती हूँ दोबारा सीखने के लिए। और दूसरी बात यह है, हम लोग जो घर पे रहते हैं, घर का काम करते हैं, तो हमारा इनकम सोर्स ज्यादा नहीं होता है, तो इसीलिए चीजों को, मतलब अभी तबीयत भी खराब है, मैं मेडिसिन भी अफोर्ड नहीं कर पा रही हूँ, और एक ही द ओनली थिंग, मतलब मैं सर्वाइव कर रही हूँ, और लेवल 2 पे आ जाऊंगी तो मैं रिकवर कर जाऊंगी, मुझे पता है, और मैं नहीं कर पा रही हूँ, आई एम कम्प्लीटली हेल्पलेस फॉर दिस। तो बस इसका सोल्यूशन सिर्फ इतना है कि जहां आपको अंदर से मन करे आप वहां से सीखिए, अगर आपका वहां पे नहीं है मन सीखने का तो आप वहां से मत सीखिए, है ना? क्योंकि जब तक अंदर से आपकी भावना नहीं होगी तब तक आप उस काम को अच्छे से कर भी नहीं। मैम, और एक चीज ये है कि जो ग्रुप में मैं हूँ और जहाँ से मुझे लिंक मिला, मतलब कब से मैं इस ग्रुप में हूँ, मतलब हो गया होगा कोई 3-4 महीना, पर टाइम नहीं होता था, मतलब कहीं ना छूट जाता था। तो मैंने 2 दिन पहले इसे नॉर्मल प्रेयर किया कि यूनिवर्स अभी यू हैव टू हेल्प मी, और कोई चारा नहीं है मेरे पास, और मुझे कोई चाहिए लाइफ में अभी। मैंने सुना कि सिंबल्स जो होते हैं, सिंबल्स के अटेनमेंट के बाद जब हम उसे अप्लाई करते हैं अपने प्रॉब्लम्स के लिए, तो बहुत फास्ट काम करते हैं और अच्छे से काम करते हैं हमारे खुद के लिए भी। तो मैम, ये जो क्लास था मुझे नहीं पता था, ये सच में मेरे लिए मिराकल है, और मुझे ना आपका ऑरा और वाइब ना मुझे पॉजिटिव लग रहा है। तो मतलब सच में ये प्लानिंग नहीं था, कुछ नहीं था, मैंने आपको जो टेक्स्ट किया ना, एक्सीडेंटली ही मैंने मैम क्लास ज्वाइन किया है, और ये सिंबल का क्लास है, क्या है मुझे कुछ नहीं पता था, और मैं शॉक हूँ जब आपने बताया। तो क्या, ये तो मैं सोच रही थी, मैंने प्रेयर किया था इसके लिए, तो थैंक यू तभी तो सो मैंने मच। बोला ना कि आप यूनिवर्स के साथ जुड़ी हुई हैं, तभी तो आपको ऐसे इंट्यूशंस आ रही हैं। आप जुड़ी हुई हैं, और हर कोई व्यक्ति नहीं जुड़ा हुआ होता। कुछ कुछ व्यक्तियों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। थैंक यू सो मच मैम। अभी मैं लेवल 1 तो खत्म हो चुका है, अभी मैंने पूछना ये था कि मैं क्या सिंबल्स का एडवांस कोर्स कर सकती हूँ? नहीं, आप नहीं कर सकती हैं जब तक आपका लेवल, कम से कम लेवल 3 आपको करना पड़ेगा, उसके बाद आप कर सकते तो मैम, आपसे लेवल 2 कंप्लीट कर सकती हूँ क्या? हैं। लेवल 2 आप ऑफिस में कांटेक्ट करिए, आप से वही वहां पर आपसे बात करूंगी मैं, अभी यहाँ पे नहीं कर सकती हूँ। ठीक ठीक है मैम, थैंक यू, आप है, क्लास कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर द टाइम। चलिए। तो मैंने आप लोगों को बताया इससे रिलेटेड, और भी कोई क्वेरीज हैं आपकी तो आप कर सकते हैं। इस सारी आपकी क्लासेस 25 से स्टार्ट होंगी, 7:30 PM आपकी क्लास होगी मंडे एंड थर्सडे। हफ्ते में 2 दिन की आपकी क्लास होगी, 3 महीने का आपका कोर्स होगा। जूम पर आपकी सारी क्लासेस होंगी, रिकॉर्डिंग्स आपको सब मिलेंगी, 2 साल तक आपके पास रिकॉर्डिंग होंगी। अगर किसी तरह का कोई डाउट होगा तो वो मैं हर क्लास में लेती ही हूँ डाउट्स आपके। प्रैक्टिकल केस स्टडीज, प्रैक्टिकल भी मैं करवाती हूँ क्लास के अंदर ही, तो ये सब चीजें आपको मिलेंगी। एक बार आप रिपीट फ्री कर सकते हैं, नोट्स आपको जो सिंबल्स से रिलेटेड है, जो भी सिंबल्स हैं वो सब आपको मैं भेजूंगी, और जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, जो मैं आपको बताऊंगी, वो सब आप लोग अपने शब्दों में अपनी एक डायरी मेंटेन करेंगे जिसमें कि आप लिखेंगे, क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक वो चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी नहीं जाएंगी। तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाने के लिए ये काम करना पड़ेगा। न्यू पार्टिसिपेंट्स के लिए जो आपका फीस है, ये आपको जो 6,321 है आफ्टर डिस्काउंट 4,737, एंड जो ऑलरेडी आपके यहाँ पे सीख रहे हैं उनके लिए भी जो डिस्काउंट है वो है 4,027 रुपीज। ठीक है, और आपके पास ये, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये आपका पेमेंट डिटेल है। आप इन नंबर्स पर आप पे कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट्स आप मोबाइल ऑफिस के नंबर्स पर स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं आफ्टर पेमेंट। ठीक है, बाकी मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगी कि अगर आप इसको सीखेंगे, जो लोग भी यहाँ पे मास्टर्स बैठे हैं या फिर ग्रैंड मास्टर्स बैठे हैं, उनके लिए ये बहुत लाभदायक कोर्स है, बहुत ही उसमें उनके लिए बहुत कुछ वो नया अपने जीवन में सीखेंगे और उसको इस्तेमाल करेंगे। और रही बात प्रॉपर जो एक एक डिजीज का अगर आप नाम लेके करते हैं, तो जैसा मैंने बोला कि जैसे जैसे आपकी लाइफ में आपकी इमोशंस के अंदर स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाती है, वैसे वैसे आपकी बीमारियां
खत्म होने लगते हैं। और अगर कोई आपके ऊपर कुछ करवा देता है, ब्लैक मैजिक होता है, तो ब्लैक मैजिक के लिए भी हमने यहाँ पर यूज की है चीजें कि किस तरीके से आप ब्लैक मैजिक को रिमूव कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है ना, वो होता है आपका ब्रेन, आपका माइंड। जैसा हम लेवल 3 के अंदर एक अपने कार्मिक इशू, कार्मिक हीलिंग हम करवाते हैं लेवल 3 के अंदर, रेकी लेवल 3 के अंदर, जिसमें मेरी अफर्मेशन होती है कि किसी भी प्रकार का कोई काला जादू या फिर कोई नेगेटिव ईवल आई जिसको हम बोलते हैं, हमारे हमें परेशान नहीं कर सकती है। मैं हर प्रकार की नजर दोष से मुक्त हूँ, हर प्रकार के काले जादू से मुक्त हूँ। अगर आप इस तरीके से अपने माइंड को प्रिपेयर करके चलते हैं ना, तो कोई भी नेगेटिविटी, किसी भी तरह का कोई काला जादू आप तक नहीं आ सकता। और अगर वो आप तक आता भी है, तो वो ऑटोमेटिकली आपके यहाँ से बाहर चला जाता है। क्योंकि जब आप अपने चक्रास को हील करते हैं, तो जैसे जैसे आपके अंदर की ऊर्जा बढ़ती है, आपकी चक्रास की हीलिंग, आपकी ऊर्जा बढ़ती है। चक्रास हम हील करते हैं अपने अंदर की ऊर्जा को बढ़ाने, तो जैसे जैसे हमारे अंदर की ऊर्जा बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे ये जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हैं अपनी जगह को छोड़ती चली। तुलसीदास जी, मैंने अभी आपको देखा, आप बताइए, आपने मुझे बताया था कि बहुत आपको आराम मिला काले जादू, ब्लैक मैजिक, इन सब चीजों से। आप प्लीज एक्सप्लेन करिए यहाँ पर थोड़ा सा। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ मैंने तो किया हूँ और बिल्कुल जो भी प्रॉब्लम्स है पहले से बॉडी में है, अगर प्रैक्टिस रेगुलर रखा जाए तो हर एक प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। मैं लगभग 1.5 साल होने जा रहा है एकेडमी से जुड़ा हूँ और काफी कोर्सेस किया हूँ और उसका प्रैक्टिस आपका म्यूट हो गया है। हाँ जी, फोन आ रहा है तो उससे मेरा जो प्रॉब्लम्स था मैक्सिमम डिजॉल्व हो गया है और अभी बॉडी जो एनर्जेटिक लग रहा है वो एक नेक्स्ट लेवल की। थैंक यू। थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच। इनके साथ में काफी प्रॉब्लम था, इनका काला जादू, ब्लैक मैजिक, ये सब, लेकिन वो सब इन्होंने रेकी से ही ठीक किया है। हाँ जी, इस वेबिनार की रिकॉर्डिंग आपको जरूर मिलेगी। प्रभु जी, आप बताइए, आपको भी काफी अच्छा फील हुआ? वैसे तो सभी को हुआ है, पर जो जो लोग मेरे सामने आते जा रहे हैं, मैं उन लोगों को बुला रही। ये हाँ तो बताइए। मतलब रेकी से भी काफी फर्क पड़ा है और मुझे तो मेरी नींद की प्रॉब्लम थी ना वो सॉल्व हो गई। नींद ही नहीं आती थी। नींद की एक दवाई आती है फिर से बनती है वो मेरी छूट गई। चलिए, वो एक आराम मिला। दूसरा के ना भी काफी हेल्थ इश्यूज है ना उसमें आराम मिला मुझे। चलिए, थैंक यू सो मच। हाँ, मैं आपको दिखाती हूँ, दोबारा से दिखाती हूँ। देखिए, कोर्स कंटेंट में हमने इतना ही डाला है, लेकिन इसके अलावा आपको बहुत कुछ, जब आप सीखेंगे, आप तो ऑलरेडी हमसे सीख भी चुकी हैं और भी कोर्सेज, तो जब आप सीखेंगी तो आपको मालूम चलेगा, और आपको मालूम ही है कि हमारा कैसे, हम यहाँ पे सिखाएंगे, किस तरीके से हमारा सिखाने का पैटर्न है और किस तरीके से हम हमारा काम करते हैं प्रॉपर। मैं हर व्यक्ति के साथ में उनको, एक एक व्यक्ति को लेती हूँ और प्रैक्टिकल करवाती हूँ। मेन आप वो चीज बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिकल्स। जब तक आपके प्रैक्टिकल्स के ऊपर पकड़ नहीं होती है, तब तक आप ग्रैंड मास्टरशिप करने के बावजूद भी आपको लगता है कि आप कर नहीं सकते, है ना आभा जी, राइट और नॉट? जी मैम राइट। हाँ जी, सर जुड़ चुके हैं अब। सर बताइए। नमस्कार आप सब लोगों को। नमस्ते सर, थैंक थैंक यू। हाउ यू। वाज द सेशन? कैसा रहा ग्रेट, सेशन आज का? प्रमोद बढ़िया। जी
बढ़िया रहा सर, बढ़िया। तुलसीदास जी, लॉट ऑफ ओल्ड स्टूडेंट्स आपके यहाँ पे हैं इस टाइम। नंदिनी जी, काफी सारों ने अपने माइक्स वीडियोस ऑन नहीं किए, सो आई एम सर श्योर। स्कूल के बाद है ना, मेरे को लगता है कि एकेडमी में काफी समय से पढ़ रहा हूँ, मैं स्टूडेंट ही हूँ। जब तक एकेडमी नए नए कोर्स लॉन्च करती रहेगी मैं ज्वाइन करता रहूंगा। ये एक ऐसा सिस्टम डिजाइन है ऑकल्ट का कि ये खत्म नहीं होता। इट्स देयर इज अ स्टार्ट, देयर इज नो एंड। सर मैं ये चाहूंगा कि है ना हीलिंग के है ना, मतलब रेकी से रिलेटेड जो भी कोर्सेज है ना और भी करें, जैसे वायलेट फ्लेम रेकी है, क्योंकि रेकी से सर मेरे को बहुत फायदा हुआ है। मैंने तो मतलब सेकेंड लेवल का करने के बाद मैं तो इनकम चालू हो गई थी। अभी एस्ट्रोलॉजी का काम कम हो गया और हीलिंग का ज्यादा हो गया। गुड। सो हर एक को ना साइंस कुछ ना कुछ कनेक्ट करती है जीवन में। अभी ये देखना पड़ता है कि इसको क्या कनेक्ट कर रही है। और वॉलेट रेकी भी पास्टर जी ने पहले करवाया था, एंड शी इज सर दी लाइन से मैं क्या बोलता हूँ कि जैसे है ना अभी जो मैडम पढ़ा रहे हैं, चाहती पढ़ाती है ना, उनको लाइन से मतलब लॉन्च कर दीजिए, तो हमारा क्या है लिंक नहीं टूटेगा ना, तो फिर लिंक टूट जाएगा सर। नहीं तो लाइन से ही आते हैं उनके, वन आफ्टर अनदर सब्जेक्ट उनके लाइन से ही आते हैं। नहीं वही बोल रहा था ना सर, रिक्वेस्ट वो है मेंटेन आपकी रहता है तरफ से, मतलब उनका। और है कि मतलब पूरा हो जाए हमारा, मतलब रेकी बोलो तो कंप्लीट रेकी हो जाए। ग्रैंड मास्टर तो हम लोग हो गए हैं, लेकिन मतलब जो भी उनके पास जितना भी रेकी का नॉलेज है ना सब आ जाए हमारे। हाँ, वो उसके लिए बैठी है, वो सारा नॉलेज देखी है जितना इनके पास है, सारा आपको देने के लिए तैयार बैठी है ये। तो उसके लिए ये एक के बाद कुछ ना कुछ चीज़ें लेके आती रहती हैं आपके लिए, ताकि आपको सारा डिलीवर किया और जा सर सके। ये है कि ना जैसे दो क्लासेस के बीच में है ना वो गैप रखी है सर, वो क्या होता है जैसे हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं मैडम से, और वहाँ पे कोई और कोर्स अपनी एकेडमी का चल रहा होता है या कोई और चल रहा है, तो मतलब उसमें थोड़ा सा अगर गैप मिल जाए ना सर तो मतलब थोड़ा सा अच्छा रहता है, क्योंकि क्लासेस तो 1-1.5 घंटे की होती है लेकिन वो एक्सटेंड हो जाती है पौना घंटा करीब करीब। तो जनरली तो गैप रहता ही है, 7:30 की क्लास के बाद जो दूसरी क्लास शुरू होती है 7:15 तक होती है जाके क्योंकि जैसे शुरू। है ना जैसे उसमें अभी जो टाइम टेबल तो हमारा 1.5 घंटे का होता है कि भाई एक लेक्चर एक सेशन होगा 1.5 घंटे का, लेकिन पता चलता है वो तो हो गया 2 घंटे का या 2.25 घंटे का, तो इसके लिए मैं बोल रहा था सर और कोई बात नहीं। और सर इवनिंग के आपको ये अंदर एक बात और बोलना चाहूंगा सबके सामने कि सर इसको लाइफ टाइम वो एक्सेस दे दीजिए। लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा तो क्या सर हम लोग है ना, अभी मैं आपको बताऊँ कोर्सेज मैंने बहुत सारे किए हैं लेकिन दोबारा देखने का मौका नहीं मिला, और फिर प्रॉब्लम्स है ना लाइफ की सर ऐसे आती है ना एक के बाद दूसरी तीसरी ऐसे चलती रहती है, तो देखने का मौका अभी तक नहीं मिल पड़ रहा। मैंने मैंने टैरोट स्पेल्स वगैरह रूनस वगैरह सब किए थे उनको देख नहीं पाया हूँ, और वाइफ को पैरालिसिस आ गया और कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे रहे, कभी घर में शादी आ गई, तो देखने का मौका नहीं मिला। तो लाइफ टाइम एक्सेस करवा दीजिए सर, ये रिक्वेस्ट सो है। ओके, सो दोज हु आर कनेक्टिंग विद एकेडमी रेगुलरली, उनके एक्सेस चलते रहते हैं। जी सर सो उनका एक्सेस बंद नहीं होता जो लोग एकेडमी से कनेक्टेड हैं, सम और सर, हम तो अदर कनेक्टेड है आखिरी सम, सांस तक कनेक्टेड है। उनका 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 एकेडमी आप का एक्सेस पढ़ाते चलता रहिए सर, रहता है, हम पढ़ते रहेंगे आखिरी सांस वो तक। एक्सेस चलता रहता है। दोज हु आर लेफ्ट एकेडमी, उसके बाद एक ड्यूरेशन रहती है, अगर एकेडमी छोड़ चुके हैं तो उसके बाद एक ड्यूरेशन रहती है करीब 18 महीने या 24 महीने। वो मुझे भी सिस्टम में डिजाइन है क्या है, वो मुझे भी एग्जेक्टिव देखना पड़ेगा, लेकिन उसमें एकेडमी सर वो छोड़ जो दिया। 5 बार ही वीडियो देख सकते हैं वो एक रिस्ट्रिक्शन है उसमें। नहीं, वो तो कंट्रोल हो जाती है, उसमें आप टेंशन मत लो, आप उसमें कोई दिक्कत नहीं सर है। लाइफ टाइम का कर दीजिए सर, ये रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक जो एकेडमी से कनेक्टेड है वो लाइफ टाइम ही चलेंगे, आप टेंशन मत लो उसके। है सर। दोज हु आर लेफ्ट एकेडमी, वहां पे फिर वो अपने आप एक्टिवेट होती है इंस्ट्रक्शन कि अगर एक्सेस नहीं कर रहे तो अपने आप एक्टिवेट हो जाएगी वो। ठीक है, दैट्स हाउ इट इज। ओके, बाकी चीज़ों के लिए आई एम श्योर कि पास्टर जी ने आपसे शेयर कर लिया होगा। कोर्स डिटेल क्या है, उसका टाइमिंग्स क्या है, डेज क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, वो सब चीज़ें पास्टर जी ने आपसे शेयर कर ली होगी। एंड दिस कोर्स इज गोइंग टू बी फैंटास्टिक, एंड रेकी के परस्पेक्टिव से शी इज़ अ बेस्ट टीचर, अनडाउटेडली शी इज़ अ बेस्ट टीचर। और मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि सर जो डॉक्टर्स होते हैं ना उनका हीलिंग मैं कर रहा हूँ, मैं पहले डॉक्टरों के पास जाता था, अभी 5-6 डॉक्टर हैं सर जो मेरे रेगुलर क्लाइंट्स हैं, और 30-40 हज़ार रुपया कमाया मैंने सिर्फ क्या बात है, वेरी गुड, रेकी से सर। बहुत अभी 200 रुपये ले रहा हूँ एक सेशन का, और मतलब आपको बता सर एक एक सेशन का मैं 200 रुपये ले रहा हूँ फिलहाल, तो क्लाइंट्स तो काफी हैं रिकी के, लेकिन एस्ट्रोलॉजी बंद हो गया अभी। आपका भी अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ मैं, कोई बात आपका भी नहीं, कहाँ अटेंड कर पा रहा हूँ सर। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, रिकी कर रहे हैं, ये जो सब्जेक्ट आपसे कनेक्ट करेगा उसको आप सब्जेक्ट आपको अपने आप चुन सर अपने लेगा, आप चेंज हो गया, मैंने कुछ किया अपने ही आप नहीं, चुन लेगा। अपने आप चेंज हो गया। सब्जेक्ट आपको चुनेगा, आप सब्जेक्ट नहीं चुन सकते हैं, आप जी सिर्फ सीख सकते हैं, चुनेगा सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट अपने आप।
सो कमिंग टू दी क्लोजर ऑफ दिस सेशन, आप सबने काफ़ी अच्छे से सीख लिया होगा आज के सेशन में. और जो लोग एनरोल कर रहे हैं, प्लीज़ गेट योर एनरोलमेंट्स डन फास्टर. डिटेल्स आपको पास से शेयर कर दोगी. एडिंग टू डैट आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट और रादर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, काफ़ी लोगों को पता है 2 जून को इवेंट है इस्कॉन टेम्पल में, एंड आपको उसमें जो सर्टिफिकेशन होगा उसमें उपासना जी के माध्यम से होगा. तो डैट विल बी हेल्पफुल कि आपके फैकल्टी साथ में होंगे एंड यू योर पिक्चर्स विल बी क्लिक्ड एंड रिवार्ड्स एंड पिक्चर्स विल बी शेयर टू यू. सो उपासना जी भी होंगी वहाँ पे एंड दैट दिस इज समथिंग हम चाहते हैं जी जिससे हमने सीखा उनको साथ में हमारे अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेशन में. सो दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू हैपन. एंड इस्कॉन टेम्पल में है, इस्कॉन टेम्पल अपने आप में पवित्र भूमि है, ईस्ट ऑफ कैलाश दिल्ली. एंड इस्कॉन टेम्पल का अपना एक ऑरा बहुत स्ट्रांग है और फर्स्ट टाइम हो रहा है इस्कॉन टेम्पल में, कभी भी कोई ज्योतिष कार्यक्रम नहीं होता, फर्स्ट टाइम हम आयोजन किया जा रहा है, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है. दूसरा इस्कॉन टेम्पल है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की भूमि है, भगवान श्री कृष्ण की जगह है, जो भी धनराशि आएगी वो मंदिर को जाएगी, मंदिर उसका सदुपयोग चैरिटी में करेगा, तो उसका पुण्य भी सबको प्राप्त होगा, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं सबको प्राप्त होगा. तो कंसिडरिंग द फैक्ट दैट आप उसके इन्फॉर्मेशन आप एकेडमी से और ले सकते हैं एंड दैट यू कैन कनेक्ट फॉर दी अपकमिंग सेमिनार ऑन 2nd of June. दिन ज़्यादा नहीं बचे, महीना बचा बचा है करीब करीब, महीना सवा महीना बचा है करीब करीब. गेट योर रजिस्ट्रेशन फास्टर क्योंकि उस हिसाब से फिर आपके सर्टिफिकेट्स एंड ट्रॉफीज भी डिजाइन होंगी. नहीं तो अगर प्रिंटेड फोटो प्रिंटेड सर्टिफिकेट एंड ट्रॉफीज होती हैं, लेट एनरोलमेंट पे फोटो प्रिंटिंग में दिक्कत होती है, फोटो प्रिंटिंग के लिए टाइम चाहिए होता है. सो गेट योर रजिस्ट्रेशन डन फास्टर, दैट्स इट. एंड दिस इज फॉर ऑल फ्रॉम माई साइड. एंड उपासन जी एनीथिंग फ्रॉम योर साइड? उपासन जी किसी और को कुछ शेयरिंग करना है तो बात कर सकते हैं, अदरवाइज होप यू ऑल एबल टू अंडरस्टैंड टुडे सब्जेक्ट. और फिर हम यहाँ पे जी मुकेश जी, गुड सर, आई एम हैविंग लिटिल गुड इवनिंग सर. सर, इवनिंग मैडम, बताएं. आई एम हैविंग प्रॉब्लम विद द टेक्सली ऐप सर. एक्चुअली वो आपसे ऐप प्रॉब्लम है. डाउनलोड नहीं होता है एंड दैट लिंक में कुछ प्रॉब्लम होता है. वो कोर्सेस ठीक नहीं है, बार बार मैं परेशान कर रही हूँ. दो तीन कोर्स आपको 1 मिनट मैं बताता हूँ. आपको अभी ट्रेनिंग हमने एक्चुअली से डिज़ाइन किया था, आराधना ने और नेहा ने ट्रेनिंग लिया था, बोथ ऑफ देम आर नॉट अवेलेबल फ्राइडे से, दोनों ही नहीं आ रहे हैं, छुट्टी पे ऑन एंड ऑफ है. सो आई रिक्वेस्ट कि दोनों कल होंगे, आप इनसे ट्रेनिंग दोबारा लो. एक्चुअली के से हमने ट्रेनिंग करवाया था तो उसमें क्या है ना, एक बार आप लॉग इन करोगे तो आपको लॉगआउट नहीं करना, यू जस्ट क्लोज इट एज इट इज, ही डोंट डू लॉकआउट्स. अगर आप लॉकआउट नहीं करते हो तो आपके आपको दोबारा लॉग इन नहीं करना पड़ेगा, यू विल गेट दी रिकॉर्डिंग एज इट इज ऑन द मोबाइल और लैपटॉप ऑल्सो, बोथ. लॉकआउट और लॉग आउट नहीं करना है फिर. नहीं करना आपको, किसी को भी लॉगआउट नहीं करना. अगर आप लॉगआउट करोगे तो आपको री लॉग इन करना पड़ेगा, आपको लॉगआउट ही नहीं करना. ओके, बट उसका कुछ ऐप ऐसा नहीं है. वी हैव टू गो इन द कोर्स, जो लिंक दिया है उसी से ज्वाइन करना है क्या? सो लिंक से ज्वाइन करके फ़ायदा ये रहता है इसमें, इसमें एप्लीकेशन बेस्ड नहीं है वो, इसका ऐप नहीं है. एंड लिंक से जो होता है आप लिंक से मोबाइल भी चला सकते हैं, मोबाइल का कोई एंड्रॉयड या एप्पल दोनों चल सकते हैं लिंक से. दूसरा डेस्कटॉप चल जाता है, डेस्कटॉप में एप्पल या विंडो डेस्कटॉप दोनों चल सकते हैं. तो ये एक यूनिवर्सल वे है वर्किंग का, इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कौन सा विंडो कौन सा एंड्रॉयड या एप्पल, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो एक यूनिवर्सल है, तो इसका एक बेनिफिट है. नहीं तो पहले वाले एप्लीकेशन से एप्पल, जिनके पास एप्पल था उनको दिक्कत होती थी, वो एप्पल वाले यूज़ नहीं कर पा रहे थे. नाउ देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, यू कैन यूज़ एप्पल, यू कैन यूज़ एंड्रॉयड एज पर योर विश. एंड लेकिन आपको लॉगआउट नहीं करना. ट्रेनिंग आराधना को नेहा को द्वारा मिली थी, यू कैन कनेक्ट देम टुमारो मॉर्निंग अगेन, दे विल हेल्प यू टू सॉर्ट इट आउट. सर, तो एक हेल्प होगा अगर आप ऐसे वेबिनार के जैसे एक दिन एक्सली का भी एक ट्रेनिंग दीजिए, जिसका नहीं पता है वो ज्वाइन हो जाएंगे हम लोग. मैं बार बार पूनम मैडम को अग्रीड, परेशान कर रही हूँ आई सर. अग्रीड, आई एग्री ऑन दिस. ठीक है, मैं एक दिन डिज़ाइन करता हूँ, जिनको हाँ सर, एक्चुअली ट्रेनिंग चाहिए वो ज्वाइन करें हाँ उसको, एंड ओके दैट सर, हेल्प्स देम. मैं डिज़ाइन ओके करता हूँ, सर, नेक्स्ट कमिंग वीक के अंदर डिज़ाइन करते हैं इसको. ठीक ओके सर, है, डन. थैंक यस सर, थैंक यू सो मच. यू, थैंक यू. यस बासर जी एनीथिंग टू शेयर और विल क्लोज द क्लास? सर, क्लोज कर दीजिए, मेरा हो गया है सारा कुछ. ठीक है, राइट.
चलिए, थैंक यू, धन्यवाद सबका आज के वेबिनार के यस लिए। थैंक थैंक यू मैम, थैंक यू सर। यू, नमस्कार नमस्कार नमस्कार।